गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेटा ऑनलाइन क्लासेज। आज अपन बात करेंगे एमएससी प्रीवियस के नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट यूनिट की, डीएनए रेप्लिकेशंस। ठीक है, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, रेप्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, रेप्लिकेशंस की बात करें तो जनरली रेप्लिकेशन का मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करना, कॉपी करना, यानी उसकी बहुत सारी क्या बनाना, कॉपी बनाना, वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। जैसे अपने पास कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रही हो तो उसको अपन जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसको कॉपी बनाते हैं। तो अपन आज बात करेंगे रेप्लिकेशंस की, और किसका रेप्लिकेशन करेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि रेप्लिकेशन होता क्या है। सबसे पहले अपन बात करें कि रेप्लिकेशंस होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशंस की बात करें, डीएनए रेप्लिकेशंस में एज प्रोसेस इन विच डॉटर डीएनए आर सिंथेसाइज यूजिंग द पेरेंटल डीएनए एज टेम्पलेट। यानी कि जो पेरेंटल डीएनए है उससे क्या होता है, डॉटर डीएनए का सिंथेसिस होता है। जैसे ये होता है ना, जैसे ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं, वैसे ही यहां पर क्या होता है, पेरेंट डीएनए होता है, और पेरेंट डीएनए के टेम्पलेट से क्या होता है, डॉटर डीएनए बनता है, और उसी को क्या कहेंगे अपन, रेप्लिकेशन। ट्रांसफरिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द डिसेंडेंट जनरेशन। यानी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, अपनी मल्टीपल क्या बनाता है, कॉपीज बनाता है। और कॉपीज बनाता क्यों है, क्योंकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो वन सेल से अनदर सेल्स में क्या करवाना पड़ता है, ट्रांसफर करवाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि जो सेल साइकिल, यानी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कब होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, कब होता है, जिसमें अपने इसको समझने से पहले अपन बात करते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है, क्योंकि सेल साइकिल ही वो स्टेज होती है जिसके अंदर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। सेल साइकिल के अंदर ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं, और इन डिफरेंट टाइप की स्टेजेस में ही एक स्टेज आती है एस फेज, जिस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अभी बात करें अपन कि सेल साइकिल्स की बात करें तो सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं। सेल साइकिल दो फेजेस में चलती है, कौन कौन से फेजेस में, इंटरफेज, किस फेजेस में चलती है, इंटरफेज, और दूसरा एम फेज। इंटरफेज या एम फेज, दो फेजेस में क्या होती है, सेल साइकिल चलती है। इन दो फेजेस में बात करें कि इंटरफेज फिर बहुत सारी, यानी तीन सेल्स, तीन डिफरेंट स्टेजेस में क्या होती है, डिवाइड होती है, कौन कौन सी, G1 और S एंड G2, ये तीन स्टेजेस में जो डिवाइड होती है वो कौन सी होती है, इंटरफेज। तो इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज तीन स्टेजेस से मिलकर बनी होती है, G1, S और G2 फेज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब और नेक्स्ट होता है M फेज, और M फेज में क्या होता है, दो डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। M फेज में क्या होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं, नंबर ऑफ, जैसे 2n सेल्स हैं, 2n सेल कोई अगर माइटोसिस करेगी तो वो माइटोसिस करके 2n ही रहेगी। यानी माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर मियोसिस की बात करें, अगर 2n सेल है, 2n मतलब डिप्लोइड कोई सेल है, और वो अगर माइटोसिस करेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्लोइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें कि किसी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो माइटोसिस करने के बाद भी उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। माइटोसिस करने के बाद में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। लेकिन किसी सेल्स के पास अगर 46 क्रोमोसोम है और वो माइटोसिस करने के बाद में कितने क्रोमोसोम बचते हैं उसके पास, 23 पेयर। यानी ये कौन सी कंडीशन होती है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, और ये कौन सी कंडीशन होती है, हैप्लॉयड कंडीशन होती है।
ये कौन सी कंडीशन होती है? हैप्लॉयड कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है? सेल साइकिल की एम फेज। अब बात करें कि G1 और S और G2 फेज, ये तीन फेजेस का फंक्शंस क्या होता है? इसका एम फेज का फंक्शन होता है या माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। ठीक है, सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल को अपन इस शेप में बना लेते हैं। सेल साइकिल यानी साइकिल एक सर्कुलर फॉर्म होगा। क्या होगा? एक सर्कुलर फॉर्म होगा। इसकी बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्टेजेस आती है। सबसे पहले अपन बात करें, ये होती है G1 स्टेज। कौन सी स्टेज होती है? G1 स्टेज। ये होती है S स्टेज, और S स्टेज के बाद में G2 स्टेज, और G2 स्टेज के बाद में M स्टेज। कौन सी फेज? M फेज। इन तीनों को यहां से लेके और G1 G2, इन तीनों को क्या कहते हैं अपन? इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। और ये होती है M फेज, और M फेज के अंदर मियोसिस माइटोसिस होता है। G1 की बात करें तो G1 के अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, या अपन कह सकते हैं इसके अंदर होता है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होता है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर और इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है? G1 और G2 फेज के अंदर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, या फिर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं यहां पर? कॉपी करते हैं या रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को अपन डिटेल से पूरा एक एक यूनिट है अपने कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस तरह से ट्रांसलेशन होता है। रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना, और ट्रांसलेशन की बात करें तो एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होना? प्रोटीन का फॉर्मेशन होना। ये प्रोसेस कहलाती है। और यहां पर मेन जो अपन बात करें कि रेप्लिकेशन में जो मेन प्रोसेस होती है वो होता है एस फेज। एस फेज के अंदर क्या करता है? जो डीएनए होता है वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। एस फेज के अंदर क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है। और यही अपने को पढ़ना है कि सेल साइकिल के अंदर, जो सेल साइकिल चलती है किसी भी सेल के अंदर, जब भी वो डिवीजन करती है तो वो एक पर्टिकुलर एक सेल साइकिल की फॉर्म में होता है, और उस पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर या उस साइकिल के अंदर एक फेज आती है एस फेज, और उसी एस फेज के अंदर क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो समझ में आया? डीएनए रेप्लिकेट कब करता है? जब सेल साइकिल की एस फेज चल रही होती है उस समय डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो यहां पर समझ में आया सेल साइकिल क्या होती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि डीएनए रेप्लिकेशंस को पढ़ने से पहले, जैसे डीएनए रेप्लिकेशंस को अपन क्या करें पढ़े, उससे पहले अपने को एक चीज पढ़ना जरूरी होता है, सेंट्रल डोगमा। क्या पढ़ना जरूरी होता है? सेंट्रल डोगमा। ये थ्योरी दी थी किसने? सेंट्रल डोगमा थ्योरी दी थी किसने? दी थी गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा की थ्योरी की बात करें तो सेंट्रल डोगमा की अपन सेंट्रल डोगमा थ्योरी की बात करें तो अपन ऐसे देखते हैं कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है। किसने दिया था? गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक ने ये थ्योरी दी थी। इस फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया था? अपन इस वाले पे ले लेते हैं। चलो इसी पे ले लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल डोगमा थ्योरी किसने दी थी? फ्रांसिस
क्रिक ने ये थ्योरी दी थी। इसने क्या कहा था, इसने तीन चीजें बताई थी, ठीक है। इसने क्या कहा था कि कोई अगर डीएनए है, क्या है, डीएनए है, ये कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डीएनए से जब क्या होता है, डीएनए का ही फॉर्मेशन होता है, डीएनए से क्या बन रहा है, डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, वो प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रेप्लिकेशन। यानी जब डीएनए से डीएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। जब डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है या आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब डीएनए से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, ये क्या है, आरएनए, उस प्रोसेस को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, जिसमें कहते हैं डीएनए अपने क्या बनाता है, कॉपी बनाता है। आज के टॉपिक्स में अपन रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन डीएनए से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन की बात में बात करें अपन, डीएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, प्रोटीन बनती है। डीएनए से या एमआरएनए से बात करें, तो डीएनए से एमआरएनए या आरएनए, और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और इन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स जो बनती है, उस प्रोसेस को कहते हैं अपन ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो समझ में आया, सेंट्रल डोगमा थ्योरी थी, किसने दी थी सेंट्रल डोगमा थ्योरी, फ्रांसिस क्रिक ने दी थी। उसने क्या बताया, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, यानी ये कोई डीएनए है, डीएनए अपने आप को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन। जब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए की वाली प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, तो वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन कहलाती है, ठीक है। इसी की बात करें अपन, जैसे अपने उसमें यहां पर देखो, इस वाले में यहां पर ये बता रहा है कि रेप्लिकेशन क्या होता है, जी डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, रेप्लिकेशन क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम्स होता है, वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। जब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, जिसमें किसके द्वारा होता है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। और आरएनए पॉलीमरेज से क्या होता है, आरएनए का फॉर्मेशन। और आरएनए पॉलीमरेज के बाद में आरएनए से जब प्रोटीन बनती है, तो राइबोसोम बनते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। तो तीन प्रोसेस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें,
यहाँ पर अपन बात करें, ये अपन ने बात कर लिया कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर ली। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, सेंट्रल डोगमा से पहले अपन ने बात की, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, जब सेल साइकिल चलती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि व्हाट आर What are similarities similarities between या similarities in replication of prokaryotes प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स क्या कहना चाह रहा है कि व्हाट आर सिमिलरिटीज इन रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में क्या क्या सिमिलरिटीज होती है, कि जैसे अपन बात करें कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस की या यूकैरियोटिक रेप्लिकेशंस की, दोनों में सिमिलरिटीज क्या होती हैं। सबसे पहला पॉइंट की बात करें कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली 80 रिच रीजन या 80 रिच सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करें कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होता है वो यूजुअली क्या होता है, 80 रिच रीजन होता है। सबसे पहला अपन बात करें कि जो रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, 80 रिच रीजन होता है। 80 रिच रीजन का मतलब, 80 रिच सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, 80 रिच सीक्वेंस का मतलब क्या होगा, यहां पर जो एडिनिन थायमिन यानी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस जगह पर क्या होना चाहिए, 80 रिच सीक्वेंस होना चाहिए। मतलब यहां पर क्या है, रेप्लिकेशन है, यहां पर रेप्लिकेशन की क्या है, ORI साइट है, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर क्या होना चाहिए, एडिनिन और थायमिन ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये अपन ने डबल स्टैंडर्ड जब डीएनए का स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी, इक्वेलेंस रूल पढ़ा था, तब वहाँ पर बात किए थे कि एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन गवानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जनरली जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पर तोड़ने की ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और जहाँ पर एडिनिन और थायमिन होंगे वहाँ पर क्या होगा, कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पर इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जहाँ पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, वो साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है, और उस साइट पर 80 रिच सीक्वेंस होना चाहिए, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर 80 रिच सीक्वेंस की बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो 80 रिच सीक्वेंस होता है 245 बेस पेयर, कितने बेस पेयर का होता है, 245 बेस पेयर का 80 रिच सीक्वेंस होता है, और यहां पर होता है 100 बेस पेयर, कितने 100 बेस पेयर। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर 80 रिच सीक्वेंस होता है, 80 रिच सीक्वेंस इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स में 245 बेस पेयर का होता है, यूकैरियोट्स में 100 बेस पेयर का होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में होता है सिंगल ओरिजन और इसमें होता है मल्टीपल ओरिजन। इसमें होता है सिंगल ओरिजन और इसमें होता है मल्टीपल ओरिजन। सिंगल ओरिजन और मल्टीपल ओरिजन की बात करें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगल ओरिजन क्या होगा? सिंगल ओरिजन का मतलब क्या होगा कि ये कोई क्या है? सर्कुलर डीएनए। यहां पर क्या है? ये कोई सर्कुलर डीएनए। और यहां पर ये जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ये क्या होता है? लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, इस सर्कुलर डीएनए में ओआरआई साइट होती है वो ओनली सिंगल एक साइट होती है, ओआरआई, कि यहां पर ओनली एक ही जगह से क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहां पर एक ही साइट होगी जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और यहां पर इसके पास में बहुत सारी साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अपन ने बात करी थी कि जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है डीएनए के रेप्लिकेशन में, जब ये दोनों रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज होती है। सबसे पहली सिमिलरिटीज है कि दोनों को जब भी ओआरआई साइट यानी जब भी ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उस जगह पर एटी रिच सीक्वेंस यानी एडेनिन थायमिन रिच सीक्वेंस होना चाहिए। एडेनिन थायमिन रिच सीक्वेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहां पर एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और डबल बॉन्ड के कारण वो इजीली क्या हो सकता है? ब्रेक हो जाता है और वहां पर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यहां पर क्या होगा? डबल बॉन्ड होंगे और डबल बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद में क्या बना लेगा? रेप्लिकेशन बबल बना लेगा और रेप्लिकेशन बबल बनाने के बाद में वो क्या हो जाएगा? इजीली रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर प्रोकैरियोट्स में बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 80 रिच सीक्वेंस होता है, वो 245 बेस पेयर का, यूकैरियोट्स में 100 बेस पेयर का, और इसमें सिंगल ओरिजन होता है, इसमें मल्टीपल ओरिजन होता है। तो सबसे पहले अपने बात की थी कि क्या होता है कि 80 रिच सीक्वेंस क्या होता है, पहली सिमिलरिटी। सेकंड सिमिलरिटीज की बात करें तो डीएनए इज बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। यहां पर बात करें अपन सेकंड पॉइंट की बात करें तो डीएनए क्या होता है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। डीएनए की क्या होती है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। डीएनए क्या होता है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस यानी रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। देखो बाई डायरेक्शनल में नाम में ही पता लग रहा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, बाई मतलब टू यानी दो डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब जो अपनी डायरेक्शन होती है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल क्या होती है? प्रोसेस होती है। बाई डायरेक्शनल को अपन समझे तो बाई डायरेक्शनल में जैसे ये होती है, ये क्या है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जैसे जब भी ये क्या होता है, ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है नॉर्मली, यहां पर इसके अंदर ये ओआरआई साइट, मान लो यहां पर ओआरआई साइट, अब ये ओआरआई साइट जब क्या होती है? ओपन होती है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। इस तरह की स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है और इस तरह की स्ट्रक्चर्स को अपन कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। ये कहलाता है पूरा रेप्लिकेशन बबल। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन बबल। रेप्लिकेशन बबल्स क्यों कहते हैं इसको? कि यहां पर जो इनके बीच में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड थे, नाइट्रोजन बेस के अंदर यहां पर क्या थे? हाइड्रोजन बॉन्ड थे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहां से क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद में ये एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसे कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। और रेप्लिकेशन बबल के सेंटर से, रेप्लिकेशन बबल के सेंटर से यहां पर बात करें तो यहां पर दोनों तरफ क्या होता है? रेप्लिकेशन चलता है।
यानी यहाँ पर क्या हुआ, ओआरआई साइट थी, ओआरआई साइट ओपन हुई, ओपन होने के बाद में जब ये ओपन हो जाता है, रेप्लिकेशन बबल बन जाता है, तो रेप्लिकेशन बबल बनने के बाद में दो फोर्क बनते हैं। यहाँ पर देखोगे तो एक इस तरह से फोर्क बनता है, ये फोर्क बनेगा, और दूसरा फोर्क बनेगा इस तरह से, दूसरा फोर्क इस तरह से बनेगा। ये मान लो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए है, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए, 5 प्राइम से 3 प्राइम या 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए। और यहाँ पर 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम देखोगे तो यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम, यहाँ पर देखोगे 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम। इस तरह से डीएनए के अंदर एक रेप्लिकेशन बबल के अंदर दो रेप्लिकेशन फॉर्क होते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अपन रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको क्या कहेंगे अपन, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क एक यहां पर बन गया रेप्लिकेशन फॉर्क और दूसरा यहां पर रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। इसमें जो न्यूली डीएनए सिंथेसिस होगा या नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो इधर की तरफ हेलिकेज एक्टिविटी होगी, इसमें इधर की तरफ। तो एक ही ओआरआई साइट से दो डायरेक्शन में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर जो रेप्लिकेशन होगा वो दोनों साइड में होगा। और यहाँ पर बात करें कि दोनों साइड में अपन बात करें तो एक की तरफ लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एक नई स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगी, एक लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलिमराइजेशन करता है, तो ये स्ट्रैंड होगी लीडिंग स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड होगी लैगिंग स्ट्रैंड। ये कौन सी स्ट्रैंड होगी, लैगिंग स्ट्रैंड होगी। तो इस तरह से जो सेकेंड अपन ने सिमिलरिटीज बात की है वो है रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल प्रोसेस, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों में जो रेप्लिकेशन होते हैं वो क्या होती है, बाय डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि रेप्लिकेशन इज, थर्ड पॉइंट की बात करें, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। थर्ड पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब बात करें कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, वो जो डीएनए है या कोई भी चीज है, वो तीन टाइप से क्या करती है, रेप्लिकेशन करती है। एक तो होता है सेमी कंजर्वेटिव, एक होता है कंजर्वेटिव, एक होता है डिस्पर्सिव। ठीक है, तीन टाइप से कोई भी सेल्स होती है या कोई भी चीज अपन कॉपी करें तो तीन टाइप से कॉपी होने की संभावना होती है, जिसमें से एक होता है कंजर्वेटिव, दूसरा होता है सेमी कंजर्वेटिव, थर्ड होता है डिस्पर्सिव। अब इन तीनों की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव में नाम से ही पता लग रहा है, उसमें सेमी मतलब आधा, आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर, यानी उसके अंदर जो आधा पेरेंटल डीएनए होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, और से उसके अंदर बात करें कि सेमी कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव की बात करें तो कंजर्वेटिव में जब भी रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए 100% क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, थर्ड की बात करें अपन कि डिस्पर्सिव में, उसमें जो पेरेंटल डीएनए होता है वो ब्रेक हो जाता है, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है और बचे हुए फ्रेगमेंट में न्यूली स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस क्या होती है, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कौन सा होता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के द्वारा होता है। और सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को समझने से पहले अपन बात करें कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मोड ऑफ रेप्लिकेशंस की बात करें तो रेप्लिकेशन के कितने मोड होते हैं, वो ही है, तीन मोड होंगे रेप्लिकेशंस के, कौन कौन से,
यहां पर देखो रेप्लिकेशन के तीन मोड है, सेमी कंजर्वेटिव मोड जो अभी मैंने बताया था, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, तीन टाइप के क्या है यहां पर मोड है यानी रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन थ्री टाइप से हो सकता है। सबसे पहला है सेमी कंजर्वेटिव। यहां पर देखो ये जो कलर लिया गया है ये पेरेंटल डीएनए है, यहां पर भी पेरेंटल डीएनए, यहां पर भी क्या है पेरेंटल डीएनए। जब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है तो ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के क्या होते हैं ओपन होते हैं। देखोगे यहां पर ये वाला स्ट्रैंड है ये है पेरेंटल स्ट्रैंड है, यहां पर ये वाला स्ट्रैंड है ये डॉटर स्ट्रैंड है। यहां पर देखोगे तो ये वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड क्या है डॉटर स्ट्रैंड है। आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल, फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल के बाद में ये देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर फर्स्ट रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गई तो एक पेरेंटल डीएनए और दूसरा डॉटर डीएनए, एक पेरेंटल डॉटर डीएनए एक पेरेंटल डीएनए। जब सेकेंड रेप्लिकेशन की स्टेज हो जाएगी तो सेकेंड रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे डॉटर हो जाएंगे यानी न्यू कलर के बनेंगे, और जिसमें एक पेरेंटल और एक डॉटर, क्योंकि यहां पर देखो ये वाला जब रेप्लिकेट करेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड वापस से क्या होंगे ओपन होंगे, ये दोनों कलर के वापस से क्या होंगे ओपन होंगे। ओपन होने के कारण जो डॉटर स्ट्रैंड है वो यहां पर क्या करेगा उसके साथ दोबारा क्या होगी न्यू स्ट्रैंड पेयरिंग हो जाएगी और दोनों सेम कलर के हो जाएंगे। यहां पर पहले ही वो एक स्ट्रैंड है और नया स्ट्रैंड क्या होगा नया कलर का होगा। यहां पर भी वही सेम कंडीशन हो रखी है। तो यहां पर कहना ये चाह रहा है कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। दूसरा अपन बात करें कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव में देखो यहां पर पेरेंटल डीएनए, जब यहां पर फर्स्ट रेप्लिकेशन होता है तो पेरेंटल डीएनए ऐसे कैसे रहता है और नया स्ट्रैंड नया डीएनए इसके जैसा कॉपी होता है, लेकिन ये क्या नहीं होता अपना पेरेंटल यानी अपना जो डीएनए होता है उसको पूरी तरह से कंजर्व करके रखा हुआ है। यहां पर ये क्या नहीं हुआ ना तो दो फ्रेगमेंट में या दो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में सेपरेट हुआ, ठीक है। जब सेकंड वो होगी साइकिल होगी तो ये यहां पर देखोगे ये यहां पर खुद को क्या करके रखता है कंजर्व करके रखता है, ओनली नया डीएनए बनता है। यहां पर इसने खुद को कंजर्व किया, यहां पर नया डीएनए बनाया, ये ओल्ड डीएनए है ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए, ये भी क्या है न्यूली सिंथेसाइज डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए या ओल्ड डीएनए, ठीक है। ये होता है कंजर्वेटिव मोड। तीसरा मोड की बात करें डिस्पर्सिव मोड, डिस्पर्सिव मोड में क्या होता है ये पेरेंटल डीएनए है, यहां पर देखोगे तो यहां पर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या हो गया ब्रेक हो गया, यहां पर क्या हो गया छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया, फिर नए फ्रेगमेंट यहां पर क्या हो गए ऐड हो गए। यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट आ रहे हैं और यहां पर नए स्ट्रैंड क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो डीएनए की बात करें जो प्रोकैरियोट या यूकैरियोटिक जो रेप्लिकेशन होता है उसमें सिमिलरिटीज होती है कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। और सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ही क्यों करता है इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड भी है, जो मैसलसन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली क्या किया था इसको प्रूव किया था, ये भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन बात करें कि जो रेप्लिकेशन होता है वो तीन तरफ से हो सकता है, मोड ऑफ रेप्लिकेशन थ्री टाइप का हो सकता है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव मेथड, ठीक है। कंजर्वेटिव में पूरा पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है, सेमी कंजर्वेटिव में पेरेंटल डीएनए हाफ कंजर्व रहता है और डिस्पर्सिव में कंजर्व नहीं रहता, ठीक है, डिस्पर्सिव में कंजर्व नहीं रहता। अब बात करें अपन जैसे कि जो बात कर लिया अपन ने कि डीएनए जो रेप्लिकेशन होता है वो क्या करता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किसने किया था, इसको किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था, वो एक्सपेरिमेंट होता है मैसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट आता है मैसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। मैसलसन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसने क्या लिया था ई कोलाई लिया था, इसने क्या लिया था ई कोलाई लिया था, मैसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, मैसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट इसी से पढ़ लेते हैं देखो, ठीक है। मैसलसन एंड स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि इसने जो वो लिया बैक्टीरिया लिया वो कौन सा लिया था ई कोलाई
लिया था। सबसे पहले इसने जो बैक्टीरिया लिया वो कौन सा था, ई कोलाई बैक्टीरिया था, और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया था, और इसको डिप किया था किसके अंदर, सबसे पहले ग्रो करवाया इसने नाइट्रोजन 15, किसके अंदर ग्रो करवाया, N15 एक मीडियम था, कल्चर मीडियम था, उसके अंदर इसने क्या किया, ग्रो करवाया। और ये ग्रो क्यों करवाया था कि इसने ये प्रूव किया कि जो DNA होता है वो तीन तरह से रेप्लिकेशन कर सकता है, जैसे तीन मोड होते हैं, तीन पैटर्न होते हैं उसके, कौन कौन से, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। उसमें से ये ओनली जो DNA होता है वो एक्चुअल में सेमी कंजर्वेटिव ही रेप्लिकेशन करता है, ये प्रूव किया था किसने, मैसलसन एंड स्टॉल ने। ठीक है, तो उसने क्या लिया, एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया और उसको N15 क्या किया, मीडियम के अंदर ग्रो करवाया, N15 मीडियम के अंदर क्या करवाया, ग्रो करवाया। यहां पर देखोगे, यहां पर DNA लिया और DNA को किसके अंदर, N15 के अंदर क्या करवाया, ग्रो करवाया। तब उसका क्या लिया, उसका वो लिया, ठीक है, यहां पर देखें तो अपन, उसने क्या लिया, N15 को क्या किया, ग्रो करवाया। N15 को कहां पर ग्रो करवाया, N15 के अंदर ग्रो करवाया ई कोलाई को। ठीक है, ई कोलाई को ग्रो करवाने के बाद में उसने क्या किया, इसको सेंट्रीफ्यूज किया, क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया या सेंट्रीफिकेशन किया। सेंट्रीफिकेशन क्या होता है, एक वो प्रोसेस होती है जो जिसके अंदर क्या होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट पर किसी भी जो सॉल्यूशन है उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उसमें क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन को या किसी भी कम उसको मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, RPM पर, राउंड पर मिनट, बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, और रोटेट करने पर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो इसको क्या किया, उसने सबसे पहले ई कोलाई को ग्रो करवाया किसके अंदर, N15 के अंदर। अब इकोलाई रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेट करेगा तो N15 के नए स्ट्रेन बनाएगा, सारे नए स्ट्रेन N15 के बनाएगा। और N15 को उसने सेंट्रीफ्यूज किया और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में उसने देखा, सेंट्रीफ्यूज किया और सेंट्रीफ्यूज के लिए उसने एक सॉल्यूशन यूज किया सीजियम क्लोराइड, उसने एक सॉल्यूशन यूज किया सीजियम क्लोराइड, और सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन यूज करके उसने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन में रिजल्ट देखा तो उसको रिजल्ट मिला कि जो N15 थे वो सभी के सभी नीचे सेटल डाउन हो गए थे, DNA का जो बैंड मिल रहा था वो नीचे की तरफ मिल रहा था, तो नीचे की तरफ मिल रहा था। तो यहाँ पर उसने लिख दिया, यहाँ पर उसने बताया कि यहाँ पर जितने भी जो DNA हैं वो क्या है, N15 है। ठीक है, ये उसने फर्स्ट जनरेशन में किया, फर्स्ट जनरेशन में इकोलाई लिया, इकोलाई को N15 में ग्रो करवाया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया किसमें, सीजियम क्लोराइड में, और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में देखा तो इसका एक बैंड बना और वो बैंड नीचे बना, इसलिए इसको कहा, कह दिया हैवी, इसको क्या कह दिया, हैवी। ये कौन सा बैंड है, हैवी, इसको ऐसे भी अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हैवी। ठीक है, अब यहां पर ये इसने सबसे पहला स्ट्रेन लिया था, ठीक है, दूसरा सेकेंड, इसने फर्स्ट जनरेशन की बात की, ये जनरल लिया, फिर उसके बाद में इसने फर्स्ट जनरेशन तक क्या किया, रेप्लिकेशन करवाया, और सेकंड में इसने क्या किया, यहां पर नेक्स्ट इसने लिया N14 के अंदर क्या करवाया, ग्रो करवाया, N14 कल्चर के अंदर क्या करवाया, ग्रो करवाया, और ग्रो करवाने के बाद में देखा, अब DNA जब भी क्या होता है, ग्रो करता है तो DNA के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ये अपन ने अभी पीछे पढ़ा था मोड ऑफ रेप्लिकेशन में, DNA के दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, ओपन होंगे, और ओपन होने के बाद में अब नया स्ट्रैंड बनेगा, और नया स्ट्रैंड उसने किसमें, N14 में क्या करवाया था, N14 में क्या करवाया था, उसको ग्रो करवाया था, तो नया स्ट्रैंड क्या बनेगा, N14 का बनेगा, नया स्ट्रैंड क्या बनेगा, N14 का बनेगा। ठीक है, और N14 का बनेगा, यहां पर देखोगे तो यहां पर जो वो है, ये वाला है लाइट, ये वाला है हैवी, ये दोनों क्या है, लाइट ये, और ये क्या है, लाइट DNA के स्ट्रैंड, और ये दोनों है हैवी DNA के स्ट्रैंड, ये दोनों क्या है, हैवी।
दोनों क्या है, हैवी डीएनए के स्ट्रेन। अब इसको जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया तो इसको वही सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया सीजीएम क्लोराइड में, तो उसने देखा कि जो डीएनए के जो बैंड मिल रहे थे वो पहले तो कहाँ पर मिल रहे थे, नीचे मिल रहे थे, हैवी मिल रहे थे। दोबारा उसने देखा तो दोबारा डीएनए के जो बैंड थे वो कहाँ पर मिल रहे थे, यहाँ पर मिल रहे थे। अलग कलर से बना लेते हैं, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पर बैंड मिले, और यहाँ पर बैंड का मतलब है कि इसके पास में N15 भी है और N14 भी है, यहाँ पर N15 भी है और यहाँ पर N14 भी है, यहाँ पर N15 भी है और N14 भी है, यहाँ पर मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड स्टेज क्या हो रही है, शो हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, अगर ये पूरा ही N, जैसे फर्स्ट में तो क्या था N15 था, अब ये N15 दोनों स्ट्रेन क्या हुए, ओपन हुए, और ओपन होने के बाद में उन दोनों स्ट्रेन के जो बीच में जो न्यू स्ट्रेन बना वो किसका बना, N14 का बना। अब N15 तो क्या चाह रहा है, N15 ये चाह रहा है कि ये नीचे की तरफ रहे, और N14 क्या चाह रहा है, ये ऊपर की तरफ रहे, तो ये दोनों के बीच में रह जाता है। थर्ड जनरेशन में उसने क्या किया, सेकेंड जनरेशन में क्या किया, तो उसने दोबारा कल्चर करवाया किसके अंदर, N14 के अंदर। अब जब दोबारा N14 के अंदर कल्चर करवाया तो ये दोनों स्ट्रेन क्या होंगे, अब ओपन होंगे, ये ओपन हो गया, ये यहाँ पर भी ये ओपन हो गया, और ये वाला ये भी ओपन हो गया, और यहाँ पर ये भी ओपन हो गया। अब नया स्ट्रेन बनेगा, नया N14 के अंदर ग्रो कर रहा है, और N14 के अंदर सभी के पास क्या बनेगा, N14 के साथ ग्रो करेगा। अब यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर कौन से बैंड, कौन से स्ट्रेन है, हैवी स्ट्रेन, लाइट स्ट्रेन, इनके इसके पास दोनों लाइट, इसके पास हैवी लाइट, इसके पास दोनों लाइट, और दोनों लाइट का जब इसको भी सीजीएम क्लोराइड में सेंट्रीफिकेशन करेंगे तो इसके जो बैंड बनेंगे, इसका एक बैंड बनेगा, देखो यहाँ पर एक तो क्या, दोनों ही क्या है, लाइट है, तो लाइट है तो कहाँ पर बनेगा, ऊपर की तरफ बैंड बनेगा, ये बैंड बनेगा, ये कहाँ किसका होगा, N14 का, और दूसरा इन दोनों का क्या होगा, मिक्सर होगा, यहाँ पर बात कर ले अपन, मिक्सर होगा, ये दोनों का क्या होगा, मिक्सर होगा, और ये क्या होगा, N14 का और N15। तो इस एक्सपेरिमेंट को करके उसने जो मेसलसन एंड स्टाल थे उसने एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, प्रूव्ड किया था कि डीएनए क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। ये ही चीज यहां पर इस पिक्चर में दिखा रहे हैं, यहां पर देखोगे यहां पर वही चीज है जो इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या, अब भी अपन ने बात किए कि जो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं उनके रेप्लिकेशन में सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं। सिमिलरिटीज में फर्स्ट सिमिलरिटी देखी, दोनों के अंदर जो ORI साइट होता है वो क्या होता है, ORI साइट होता है वो एडिनिन थायमिन रिच सीक्वेंस होता है। और दूसरे अपन ने बात करें तो दूसरा अपन ने जो रेप्लिकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। थर्ड अपन ने बात किया कि रेप्लिकेशन होता है वो प्रोसेस होती है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। तो तीन सिमिलरिटीज अपन ने इस लेक्चर में बात की, बाकी अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसी के अंदर अपन बात करेंगे, ठीक है।